ذکر علی کر رہا ہے تو اس کی عظمت اور اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ ایک سوال پیغمبر
आए गरीबों को मैंने तिलावत का शरफ हासिल किया, इसलिए मशहूर मारूफ आयत है कि मैं खुदा अपने आलम निशान फरमाता है कि मैं आऊंगा मेरे मुंह आई मैं यह दूना बेहाम बेना कि हम बनाते हैं इमाम वजअलना मिनहुम अइम्मा कि हम इमाम बनाते हैं यहदूना बिअम्रिना फिर उस इमाम का काम क्या होता है यानी अगर किसी को इमाम बनाया है तो उस इमाम का काम क्या है यहदूना बिअम्रिना उसका काम है हिदायत करना बिअम्रिना हमारे हुक्म से यानी अगर कोई शख्स इमाम अगर किसी की हिदायत कर रहे हैं तो इमाम हिदायत नहीं कर रहे हैं बल्कि परवरदिगार आलम हिदायत कर रहा है बल्कि खुदावंद आलम हिदायत कर रहा है कि यह दुनिया में हम लेना कि हमारे हुक्म से हिदायत करते हैं यानी अगर इमाम किसी की हिदायत कर रहे हैं तो इमाम हिदायत नहीं कर रहे बल्कि परवरदिगार आलम हिदायत कर रहा है और इमाम की जरूरत क्या है क्योंकि यार कल इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत की तारीख थी और दो दिन के बाद शहादत इमाम अमीर कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम इमामत के एग्जाम चल रहे हैं ये लिहाजा इमाम की जरूरत क्या है इमाम को अल्लाह ने क्यों भेजा इमाम को अल्लाह ने क्यों भेजा सबसे पहली चीज कि इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह को हिदायत कर सकता था लेकिन बहरहाल एक जरिया एक वसीला किसी न किसी को बनाना पड़ता है अल्लाह को जब जनाबे मूसा जैसा नबी नहीं देख सका अल्लाह ने जनाबे मूसा ने क्या कहा था अल्लाह से कि ऐ परवरदिगार आलम मेरी कौम वाले उसे देखना चाहते हैं यही तो कहा था जनाबे मूसा की कौम वालों तो जनाबे मूसा ने कहा अल्लाह से दुआ किया अल्लाह ने कहा अच्छा ठीक है देखना चाहते हैं मैं फला पहाड़ पे एक आवाज दे दूंगा अगर तुम उस आवाज को बर्दाश्त कर सकते हो तो मुझे भी देख सकते हो अब जनाबे मूसा अपनी कौम को लेकर उस जगह पर पहुंचते हैं परवरदिगार आलम एक आवाज भेजता है जैसे ही वो आवाज आती है तमाम के तमाम खाक में मिल जाते हैं तमाम कबीले वाले तमाम कौम वाले और जनाबे मूसा भी बेहोश पड़ जाते हैं यानी एक आवाज अल्लाह ने भेजी तो पूरी कौम बर्दाश्त नहीं कर सकी और जनाबे मूसा जनाबे मूसा जैसा नबी आवाज को बर्दाश्त नहीं कर सकता पूरी कौम खाक में मिल रही है तो फिर आम इंसान कैसे हिदायत पाएगा तो एक वसीला है हिदायत का इमामत एक जरिया है हिदायत का कि इंसान इस वसीले के जरिए से इस रास्ते पर इंसान जब कदम रखता है तो उसे हिदायत की मंजिल नजर आती है वरना हिदायत से वो बहुत दूर पहुंच जाता है जरूरत क्या है मैं एक मिसाल देता दिया हूं कल किसी मजलिस में कि इंसान का जिस्म है इंसान का जिस्म बिल्कुल जब सालिम होता है तो इंसान के जिस्म में एक चीज होती है दिल दिल का काम क्या होता है बताइए दिल का काम होता है धड़कना जब दिल धड़कता है तो क्या होता है खून की रवानी पैदा होती है खून पूरे बदन में दौड़ता है और जब खून दौड़ता है तो इंसान दौड़ सकता है इंसान चल सकता है इंसान खा सकता है इंसान बोल सकता है इंसान बात कर सकता है इंसान सुन सकता है यानी तमाम काम को अंजाम दे सकता है इंसान कब जब इंसान का दिल धड़केगा लेकिन अली मोहतरम यही दिल धड़कना बंद हो जाए यही दिल का धड़कना बंद हो जाए तो क्या अब जो इंसान दौड़ रहा था दौड़ सकता है क्या जो इंसान खा रहा था खा सकता है क्या जो इंसान
इंसान बोल रहा था बोल सकता है, कहते ना वो खा सकता है ना बोल सकता है ना सुन सकता है, एक जगह पड़ा रहेगा। यानी दिल का काम होता है कि इंसान के दिल, इंसान के जिस्म में जब दिल होता है, दिल धड़कता है, तो इंसान अपने तमाम उमूर को अंजाम देता है, खा सकता है, बोल सकता है, सुन सकता है, चल सकता है, दौड़ सकता है, यानी तमाम कामों को अंजाम दे सकता है। लेकिन अधिकारी मोहतरम यही दिल धड़कना बंद हो जाए तो आप न बोल सकता है न सुन सकता है न दौड़ सकता है न कोई काम कर सकता है। मालूम यह हुआ कि इंसान का जिस्म बगैर दिल के बेकार है। इंसान का जिस्म बगैर दिल धड़के किसी काम का नहीं है। यानी अगर इंसान का जिस्म, अगर इंसान का जिस्म को सलामत रखना है तो उसका दिल धड़कना जरूरी है। अगर दिल धड़केगा तो तमाम उमूर को अंजाम देगा, वरना उसका जिस्म बेकार हो जाएगा। तो बस अजीजाने मोहतरम इमामत भी यही है कि अगर इंसान को अपने आमाल को परवरदिगार आलम की बारगाह में पहुंचाना है, अपने कमाल को अल्लाह की बारगाह तक पहुंचाना है, तो उसे किसी न किसी इमाम को मुंतखब करना पड़ेगा, वरना उसके आमाल, उसकी इबादतें, उसकी विरासतें यही की यही रह जाएंगी, वहां तक नहीं पहुंचना पहुंच पाएंगी, क्योंकि यह वहां तक पहुंचने का एक वसीला है। और जाने मतलब बगैर इमामत के हमारे आमाल परवरदिगार आलम की बारगाह तक नहीं पहुंच सकते। और हिदायत का एक जरिया है, हर इंसान चाहता है कि उसके आमाल जो है अल्लाह की बारगाह तक पहुंचे, उसकी इबादतें अल्लाह की बारगाह तक पहुंचे, उसकी रियासतें अल्लाह की बारगाह तक पहुंचे। तो अब अजीजाने मोहतरम जिस शख्स को चाहता है, जो शख्स चाहता है कि उसकी इबादतें अल्लाह की बारगाह तक पहुंचे, उस इंसान पर जरूरी है कि इमामत के रास्ते पर अपने कदम को जमाए। जब इंसान इमामत के रास्ते पर अपने कदम को जमा लेगा तो उसकी इबादतें अल्लाह की बारगाह तक पहुंचेगी, वरना इबादतें अल्लाह की बारगाह तक नहीं पहुंचने वाली। इसीलिए तो परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि यौम नदउ कुल्लु अनासिन बिइमामिही, कि हम हर शख्स को कयामत के दिन उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। परवरदिगार आलम ने यह नहीं कहा कि हम हर शख्स को नबी के साथ बुलाएंगे। नबी तो एक ऐसी जात है कि तमाम उम्मत मुसलमान इससे मुत्तफिक है। लेकिन अल्लाह ने कुरान में यह नहीं कहा कि यौम नदउ कुल्लु अनासिन बिनबी, कि हम हर शख्स को नबी के साथ बुलाएंगे। नहीं, अल्लाह ने यह कहा कि हम हर शख्स को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि हम हर शख्स को कुरान मजीद के साथ बुलाएंगे। भाई कुरान मजीद में एक ऐसी किताब है कि हर मुसलमान उस पर मुत्तफिक है, उस पर ईमान रखता है। लेकिन अल्लाह ने उसे भी नहीं कहा कि हम हर शख्स को कुरान के साथ बुलाएंगे। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि हम हर शख्स को खाने काबा के साथ बुलाएंगे। काबा भी इंसानों के, मुसलमानों के इत्तेहाद का मरकज है, तमाम मुसलमान वहां जाता है, तमाम करता है। लेकिन परवरदिगार आलम ने यह नहीं कहा कि हम हर शख्स को खाने काबा के साथ बुलाएंगे। जिस चीज पर तमाम उम्मत मुसलमान मुत्तफिक थे, अल्लाह ने वो चीज को छोड़ दिया है। जिस चीज पर तमाम उम्मत मुसलमान मुत्तफिक है, नबी पर तमाम उम्मत मुसलमान मुत्तफिक है, लेकिन कुरान में ये नहीं कहा परवरदिगार आलम ने कि हम हर शख्स को उसके नबी के साथ बुलाएंगे। बल्कि कुरान मजीद सूरह बनी इसराइल में फरमाता है कि यौम नदउ कुल्लु अनासिन बिइमामिही, कि हम हर शख्स को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। तो मालूम यह हुआ कि इमाम एक ऐसा मनसब है कि जो सिर्फ दुनिया में काम देने वाला नहीं है, बल्कि आखिरत में भी काम देने वाला है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद और इंसान मोहतरम, जब अल्लाह ने यह कहा कि यौम नदउ कुल्लु अनासिन बिइमामिही, कि हम हर शख्स को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे, तो अजीजाने मोहतरम अब इंसान दुनिया में हर किस्म के इमाम है। अब ये इंसानों की जिम्मेदारी है
अल्लाह ने रास्ता दिखा दिया कि इन्ना हदैना अस-सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, कि हमने हिदायत का रास्ता तुम्हें दिखा दिया है, तुम चाहो तो शुक्रिया अदा करो, तुम चाहो तो कुफ्र अदा करो। उसने रास्ता बता दिया तुम्हें कि इन्ना हदैना अस-सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, तुम्हारा हमने रास्ता बता दिया है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम चाहो तो सीधे रास्ते पर कदम रखो, तुम चाहो तो गलत रास्ते पर कदम रखो, ये तुम्हारी मर्जी, हमने रास्ता दिखा दिया है। अब अजीजाने मोहतरम, अब ईमान की भी दुनिया में हर किस्म के ईमान है, कुछ ऐसे हैं कि जो इंसानों को गुमराही से निकालकर हिदायत की मंजिल में लाकर खड़ा कर देते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो इंसानों को नूरानियत से निकालकर गुमराही और जलालत में लाकर खड़ा कर देते हैं। यानी ऐसे भी इमाम है, इसका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में किया है कि कुछ ऐसे हैं कि जो इंसानों को जलालत की तरफ लेकर जाते हैं, गुमराही की तरफ लेकर जाते हैं, और कुछ इमाम ऐसे हैं कि जो इंसानों को हिदायत की तरफ लेकर जाते हैं। अब ये इंसानों की जिम्मेदारी है कि वो जलालत वाले इमाम के पीछे जा रहा है या हिदायत वाले इमाम के पीछे जा रहा है, ये इंसान का रास्ता है, अल्लाह ने रास्ता है बता दिया है, ये इंसानों की जिम्मेदारी है किस ईमान के पीछे अपने नक्शे कदम पर चलना, उनके नक्शे कदम पर। और अज़ान मोहतरम, हमारे लिए तो परवरदिगार आलम का शुक्र है कि हमें अहले बैत का मानने वाला और चाहने वाला बना दिया है इंसान। हम अब आज़ादाने इमाम हुसैन के लिए मंजिल बहुत आसान हो चुकी है, क्योंकि पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि अल हसन व अल हुसैन सैयद शबाब अहले जन्नत, कि हसन व हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। अब जिसे जन्नत में जाने का शौक हो, जन्नत के सरदारों के पीछे लग जाए, जन्नत खुद ब खुद पहुंच जाएगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और जाने मोहतरम, अल्लाह ने ये ऐसा मनसब रखा है कि इंसान इमामत के जरिए से अपनी तमाम मुश्किलात को हल करवा सकता है, और आज इमाम मौजूद है हमारे, और हम अपने हाजतों को अपनी दुआओं को इमाम की बारगाह में पेश करते हैं। और रवायत में ये जुमला मिलता है कि इमाम किसी की दुआ को रद्द नहीं करते हैं, इमाम सबकी दुआओं को सुनते हैं, सब चाहने वालों की दुआओं को सुनते हैं, बस इमाम को इंसान पुकारे, इमाम को इंसान याद करे। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, इस आयत में परवरदिगार आलम क्या कह रहे कि यहदून बिअमरिना, कि हमारे हुक्म से हिदायत करते हैं। इस आयत में अल्लाह ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है यहदून, आप इसे अरबी ग्रामर में देखेंगे तो यह गुना उस चीज को कहा जाता है जिसे फेले मुजारिया कहते हैं, और फेले मुजारिया उस चीज को कहते हैं अरबी जबान में कि जिसमें लफ्ज एक होता है लेकिन माना और मतालिब दो जमाने के पाए जाएंगे। मैंने कहा खाना खाया, इसका मतलब एक खाना खाया एक जमाना एक वक्त है, लेकिन जिस लफ्ज में मुजारिहा इस्तेमाल होता है उसमें दो जमाने पाए जाएंगे, यानी मैं खाता भी हूं और खाऊंगा भी, तो हुआ ना, खा भी रहा हूं और खाऊंगा भी, तो ये एक होता है प्रेजेंट और एक होता है फ्यूचर, यानी एक लफ्ज होगा एक सेंटेंस होगा लेकिन उसमें दो वक्त पाए जाएंगे, दो जमाने पाए जाएंगे। तो अल्लाह ने इस आयत में एक सेंटेंस वाला जुमला इस्तेमाल नहीं किया है बल्कि दो सेंटेंस वाला जुमला इस्तेमाल किया है कि जिसमें सेंटेंस तो एक होगा लेकिन माना दो पाए जाएंगे, कि यह दूरा में आ लेना कि हमारे हुक्म से हिदायत करते भी हैं और हिदायत करते भी रहेंगे, यानी जिसे अल्लाह इमाम बनाता है सिर्फ अपने वक्त में हिदायत नहीं करता है बल्कि जो जमाना चलता है उसमें भी हिदायत करेगा, जो जमाना आने वाला होगा उसमें भी हिदायत करता रहेगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद।
امام بناتا ہے تو اس کی ہدایت کی جو ذمہ داری ہوتی ہے اپنے زمانے میں بھی ہدایت کرے گا, اور جو زمانہ آنے والا ہوگا قیامت تک ان تمام زمانوں میں لوگوں کی انسانوں کی ہدایت کرتے رہیں گے. یہ امام کی خاصیت ہوتی ہے, یہ امام کا مرتبہ ہوتا ہے, یہ امام کا مقام ہوتا ہے کہ امام جو ہوتا ہے صرف اپنے وقت کے ساتھ لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا ہے بلکہ جتنا زمانہ آنے والا ہوتا ہے ان سب لوگوں کی ہدایت کرنے والا ہوتا ہے. اور امام کو جب اللہ بناتا ہے تو کیا ایسے ہی بنا لیتا ہے؟ بھئی آپ بھی کسی کو کوئی ذمہ داری دیں گے تو کیا ایسے ہی کسی کو کوئی ذمہ داری نہیں دیں گے؟ نہیں, بلکہ آپ دیکھیں گے کہ بھائی میں جسے ذمہ داری دے رہا ہوں اس کے اندر کوئی خاصیت ہے یا نہیں, کوئی کوالٹی ہے یا نہیں, تبھی آپ اسے وہ ذمہ داری دیتے ہیں. یہ دنیا کا قاعدہ ہے کہ جب انسان کسی کو کوئی منصب دیتا ہے, کوئی ذمہ داری دیتا ہے تو پہلے دیکھتا ہے کہ بھائی اس کے اندر کچھ کوالٹی ہے یا نہیں, کوئی خاصیت ہے یا نہیں, تبھی اسے ذمہ داری عطا کرتا ہے, ورنہ ذمہ داری عطا نہیں کرتا انسان. کیا پروردگار عالم انسانوں کی ہدایت کے لیے کسی کو امام بنائے گا؟ اتنی بڑی دنیا کی ہدایت کے لیے کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا جائے گا تو کیا ایسے ہی بنا کر بھیج دے گا؟ نہیں, پہلے ان کا امتحان لے گا, پیش کرے گا. آپ یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے اماموں کو ایسے ہی بنا کر بھیج دیا. نہیں عزیزان محترم, اللہ نے پہلے سبھی کا امتحان لیا ہے پھر ہمیں منصب عطا کیا ہے. پہلے امتحان لیتا ہے پھر منصب عطا کرتا ہے. تو اب عزیزان محترم, اللہ بھی جب کسی کوئی منصب دیتا ہے تو کچھ نہ کچھ خاصیت دیکھتا ہے, کوئی نہ کوئی کوالٹی دیکھتا ہے کہ بھائی اس کے اندر کوئی خاصیت ہے یا نہیں, کوئی کوالٹی ہے یا نہیں, تب اسے جا کر منصب عطا کرتا ہے. تو کیا پروردگار عالم انسانوں کی ہدایت کے لیے کسی ایسے کو بھیج دے گا کہ جس کا امتحان ہی نہیں لے گا, جس کے اندر کوئی خاصیت کوئی کوالٹی نہیں دیکھے گا؟ عزیزان محترم, ایک واقعہ جناب شمیمیل پیغمبر, نام سنا ہوگا قرآن میں تذکرہ ہے, جناب شمیمیل پیغمبر, بہت بار نام سنے ہوں گے جناب شمیمیل. قرآن مجید میں بہت کم لوگ, بہت کم انبیاء کے نام آئے ہیں جن میں جناب شمیمیل ہے. 1,24,000 انبیاء ہیں لیکن قرآن مجید میں 40-45 نام ہیں. ایک لاکھ 24,000 میں سے ایک پیغمبر ہے جناب شمیمیل. جناب شمیمیل نبی خدا ہے. جناب پیغمبر کسی مقام پر جا رہے تھے تو ان کے جو ساتھی تھے جناب شمیمیل پیغمبر کے, تو جناب شمیمیل سے کہتے ہیں یا نبی اللہ, اللہ سے دعا کریے کہ کسی کو ایسا ہمارا رہبر بنا دے تاکہ ہم اس کی ابتدا میں اپنے سفر کو آگے بڑھا سکیں. تو جناب شمیمیل پیغمبر اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ جناب شمیمیل پیغمبر کی دعا کو سنتا ہے کہ وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوتا, کہ ہم نے طالوت کو تمہارا رہبر حاکم بنایا. جب جناب طالوت کو اللہ نے یہ پورا واقعہ سورہ بقرہ میں اللہ نے ذکر کیا ہے, سورہ بقرہ میں آپ پڑھیں گے تو پورے واقعہ کا تذکرہ ملے گا کہ جناب شمیمیل نے کہا کہ وقال لهم نبيهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت, ہمارے کا کہ ہم نے طالوت کو تمہارا رہبر بنایا ہے, تمہارا حاکم بنایا ہے, تم جاؤ ان کی ابتدا میں اپنے سفر کو جاری کرو. اب جناب شمیمیل پیغمبر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو اللہ نے کہا ہے کہ طالوت کو تمہارا حاکم بنا دیا ہے. اب جناب شمیمیل کے جو ساتھی تھے کہتے ہیں یا نبی اللہ, اللہ نے ایسے کو ہمارا رہبر بنا دیا کہ جس کے پاس نماز ہے, جس کے پاس نہ کھیتی ہے, جس کے پاس نہ کھیتی باڑی ہے, جس کے پاس نہ جانور ہے, جس کے پاس سروت نہیں ہے, جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے. یعنی جناب شمیمیل سے کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے ایسے کو ہمارا حاکم بنا دیا کہ جس کے پاس مال و دولت بھی نہیں ہے. یعنی جو آج کے دور میں اگر آج بھی کسی کو ایسے شخص کو
जिम्मेदार बना दिया जाता है किसी को, तो लोग कहने वाले कहते हैं ऐसे को जिम्मेदार बना दिया कि जिसके पास कुछ नहीं है। तो ये जहनियत आज की नहीं है बल्कि हजारों साल पहले की जहनियत है, ये हजारों साल पहले की जहनियत है। तो जनाबे शमीबिन कहते हैं यार अल्लाह ने इन्हें हाकिम बना दिया है, अब इनके पास मालो दौलत सलोक ना हो कुछ ना हो, लेकिन अल्लाह ने हाकिम बनाया। जनाब शमीर पैगंबर अल्लाह से दुआ करते हैं, आयत फिर नाज़िल होती है कि वज़ादहु बसतन फिल इल्म वल जिस्म, कि देखो जनाब तालूत के पास माल और दौलत ना हो, खेती बाड़ी ना हो, लेकिन अल्लाह ने जनाब तालूत को दो चीजों से नवाजा है। अल्लाह ने जनाब तालूत को दो चीजों से नवाजा है, वज़ादहु बसतन फिल इल्म वल जिस्म, अल्लाह ने उन्हें दो चीजों से नवाज के भेजा है, एक उन्हें इल्म अता करके भेजा है और दूसरे जिस्म की ताकत देकर भेजा है। यानी जनाबे तालूत को अल्लाह ने दो चीजों से नवाज के भेजा था, एक उन्हें जिस्म की ताकत देकर भेजा था यानी मजबूत जिस्म देकर भेजा था, और दूसरे इल्म अता करके भेजा था यानी अल्लाह जिसे बनाता है जिसे मुंतखब करता है कोई चीजें न देखे, कम से कम ये दो चीजें जरूर देखता है कि इंसान के अंदर इल्म है या नहीं और जिस्म की ताकत है या नहीं। लेकिन अजीजाने मोहतरम ये तो अल्लाह का कानून है कि अल्लाह जिसे बनाता है बहुत सारी खासियतें न देखे, बहुत ज्यादा क्वालिटी न देखे, लेकिन ये दो चीजें जरूर देखता है कि जिसे हम अपना जानशीन अपना नुमाइंदा बनाकर भेजते हैं उसके पास इल्म है या नहीं और उसके पास जिस वही ताकत है या नहीं। तो दो चीजें ऐसी हैं कि इंसान के अंदर होनी चाहिए और यह कुरान का कायदा है, कुरान का कानून है कि अगर किसी को जिम्मेदार बनना है, किसी को किसी मनसब पर फायज होना है तो उसे पहले अपने जिस्म को मजबूत करना होगा और इल्म हासिल करना पड़ेगा। तो अजीजाने मोहतरम किसी को अगर जिम्मेदारी लेना है तो ये दो चीजें जरूर इंसान को देखना चाहिए कि भाई हमारे अंदर इल्म की ताकत है या नहीं और जिस्म की ताकत है या नहीं। लेकिन अजीजाने मोहतरम क्या एक इंसान के अंदर ये दोनों चीजें आ सकती हैं? अबू अल-सेना बहुत बड़े फलसफी हैं, अरस्तु फारावी बहुत बड़े फलसफी हैं, ये कहते हैं कि अगर एक इंसान है अगर बहुत अच्छा आलिम है तो बहुत अच्छा पहलवान नहीं होगा, है ना, और बहुत अच्छा पहलवान है तो बहुत अच्छा आलिम नहीं होगा। यानी एक इंसान के अंदर ये दो चीजें जमा नहीं हो सकती, अगर बहुत अच्छा आलिम होगा तो बहुत अच्छा पहलवान नहीं होगा और अगर बहुत अच्छा पहलवान होगा तो बहुत अच्छा आलिम नहीं होगा। लेकिन अधिकार मोहतरम ये तीनों फलसफी एक जगह आकर अपने सर को फख्र से नीचा कर देते हैं, कहते हैं कि कायनात का यह फार्मूला अलग है, ये फार्मूला कायनात के लिए है कि अगर बहुत अच्छा आलिम होगा तो बहुत अच्छा पहलवान नहीं होगा और बहुत अच्छा आलिम होगा तो बहुत अच्छा पहलवान नहीं होगा और बहुत अच्छा पहलवान होगा तो बहुत अच्छा आलिम नहीं होगा। लेकिन अधिकार मोहतरम ये तीनों फलसफी आकर एक जगह अपने सर को फख्र से नीचा कर देते हैं, कहते हैं नहीं कायनात में एक जात अली इब्ने अबी तालिब की है कि जब वो मिंबर पर जाती है तो कहती है सलूनी सलूनी कब्र अंता फदूनी, और जब वो मैदान जंग में जाती है तो जमीन से लेना नहीं आती आसमान से लेना आती है। ला फता इल्ला अली ला सरकता नारे हैदरी। तो अधिनारे मतलब कायनात की एक जात अली इब्ने अबी तालिब की है कि जो जिसके अंदर ये दोनों चीजें बहुत अदा मौजूद है। तीनों फलसफी कहते हैं कि नहीं ये फलसफा और ये कानून जो है कायनात के लिए है कि अगर बहुत अच्छे आलिम होंगे तो बहुत अच्छे पहलवान नहीं होंगे और अगर बहुत अच्छे पहलवान होंगे तो बहुत अच्छे आलिम नहीं होंगे, इसीलिए तो मसला शुरू किया है पहलवानों की आकर। अब आगे आप लोग बोल सकते हैं पहलवानों की अगला काम होती है कायदा ये कानून
ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے اندر بحسن عقم کائنات کا علم موجود ہے اور کائنات کی تمام شجاعت اس کے اندر موجود ہے کہ جب وہ علم کے میدان میں پہنچتی ہے تو کہتی ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے قبل کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ اور جب میدان جنگ میں پہنچتی ہے تو زمین سے صرف نجا نہیں آتی ہے، زمین سے صرف آواز نہیں آتی ہے، بلکہ آسمان سے بھی آواز آتی ہے کہ کامیابی صرف علی کے ہاتھ میں ہے۔ ایک صلوات پیدا محمد تو یہ دو چیز عطا کر کے بھیجتا ہے کہ اس کے پاس علم ہے یا نہیں اور اس کے پاس شجاعت ہے یا نہیں۔ تو یہ انسان کے دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر علم ہے یا نہیں۔ اور ایک علم ایک ایسی شے ہے، علم ایک ایسی شے ہے کہ انسان کی کامیابی کی ضمانت علم سے۔ اگر علم ہے تو انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اور علم نہیں ہے تو انسان کہتے ہیں علم جو ہے ایک نور ہے، علم جو ہے ایک نور ہے۔ اور نور کا کام کیا ہوتا ہے؟ نور کا کام راستہ دکھانا ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، علم نور ہے تو انسانوں کو علم راستہ دکھانے والا ہے، انسانوں کو راستہ اس طرف دکھائے گا کہ جس طرف ہدایت کے لیے علم کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں ایک بہترین راستے پر اپنے آپ راستہ دکھاتا ہے۔ یعنی بہتر کے پاس علم تھا، امام کے نور کو دیکھا، امام کے علم سے اپنے نور کو ملایا اور ہدایت کی منزل تک اپنے آپ کو پہنچا دیا۔ علم ایسا علم تھا کہ جس چیز کو زمانہ مرنے کے بعد دیکھتا ہے، لیکن کربلا والوں کے پاس ایسا علم تھا کہ جنت کو دنیا میں ہی دے دیا ہے۔ علم تھا ان کے پاس، امام نے دکھایا ہے۔ تو عزیزان محترم، علم ایک ایسی شے ہے کہ انسان اسے قیامت کے منظر کو بھی دیکھ سکتا ہے اور اپنے آخری منزل کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ اور احباب عزیز، ماہ مبارک رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم ہمیں دعوت دے رہا ہے، دعا کی دعوت دے رہا ہے، استغفار کی دعوت دے رہا ہے، توبہ کی دعوت دے رہا ہے، عبادت کی دعوت دے رہا ہے۔ یعنی پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ آپ مجھ سے قریب ہو جاؤ۔ قریب ہونے کا مہینہ ہے پروردگار عالم سے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس ماہ میں اپنے آپ کو کربلا کے راستے پر قدم رکھ کر پروردگار عالم سے قریب ہو جائیں۔ عزیزوں، ماہ مبارک رمضان میں آپ کربلا کو بہت اچھے سے محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ 11 مہینے محسوس نہ کریں نہ کریں، لیکن ماہ مبارک رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں آپ کربلا کو محسوس کر سکتے ہیں، کربلا کی بھوک کو محسوس کر سکتے ہیں، کربلا کی پیاس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ عزیزو، آپ کربلا میں ایک عجیب منظر ہے بھوک کا، جسے آپ چند گھنٹے کی بھوک برداشت نہیں کر سکتے ہیں، چند گھنٹے کی پیاس برداشت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن کربلا کا ایک عجیب منظر ہے کہ بچے ہیں، 6 مہینے کے بچے ہیں، 4 سال کے بچے ہیں، لیکن ایسی بھوک ہے، ایسی پیاس ہے کہ تمام بچے اس بھوک کو پیاس کو محسوس کر رہے ہیں۔ اور بابے صاحب، ہم چند گھنٹے اس بھوک کو پیاس کو محسوس نہیں کرتے ہیں، لیکن عزیزان محترم، کربلا ایک عجیب درسگاہ ہے کہ جہاں پر 3-6 مہینے کے بچے بھی کربلا میں 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں اور الدش الدش کی صدایں بلند کر رہے ہیں۔ اور باب اعظم، آپ صرف محسوس کریں، آپ احساس کریں کہ اپنی بھوک کو یاد کریں، اپنی پیاس کو یاد کریں اور کربلا کی بھوک و پیاس کو یاد کریں۔ عزیزان محترم، آپ چند گھنٹے کے بھوک و پیاسے رہتے ہیں، لیکن کربلا میں ایک 6 مہینے کا بچہ ہے کہ جو 6 مہینے کا بچہ ہے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، لیکن ایسا امام حسین اس بچے کے لیے پانی کی سبیل میسر کرنے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے قوم جفاکار، اے قوم جفاکار، اس بچے کی ماں کا دعا